दोस्तों आपका YouTube चैनल है या फिर ब्लॉग्स है या फिर वेबसाइट है। दोस्तों हर चीज़ों के लिए आपको कंटेंट चाहिए। हर जगह बोलते हैं कंटेंट इज किंग। कंटेंट अच्छा होगा तो गूगल में आपको रैंक जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा SEO करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छे लोगों का वैल्यू होता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। दोस्तों हर ऑथर का जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं उसके लिए एक मेन प्रॉब्लम आते हैं, हर रोज़ नया नया टॉपिक, कहाँ से ढूंढे टॉपिक। तो जो बड़ा ब्लॉग्स है उसके लिए कंटेंट राइटर रखा जाता है। तो आप छोटे कंटेंट राइटर हो तो आपके लिए नया नया टॉपिक हर रोज़ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं आपको ऐसा टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आप फ्री में हर रोज़ नया नया टॉपिक ढूंढ सकते हो और उसके ऊपर यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना सकते हो, ब्लॉग्स में नया नया पोस्ट लिख सकते हो और जो भी टॉपिक आपको होगा वो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बताने वाला हूँ, तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए लेट्स गो। दोस्तों आपको जो टूल बताने वाला हूँ वो 100% फ्री होगा और वो गूगल का ही एक टूल है। टूल का नाम है गूगल अलर्ट्स। इसके बारे में आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूँ, एक गूगल अलर्ट गूगल का ही एक फ्री टूल है जिससे आप हर रोज़ नया नया टॉपिक के लिए मेल ला सकते हो और उसके ऊपर आप वीडियो बना के बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको गूगल अलर्ट खुलना होगा। गूगल में सर्च करेंगे गूगल अलर्ट्स, पहले जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप खोल लीजिए। देख सकते हो आपके ईमेल एड्रेस पे आप लॉगिन है तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रैब कर लेगा और उसी ईमेल आईडी से वो साइन इन हो जाएगा। तो खुलने के बाद नीचे आप देख सकते हो इस पर ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली ऐड होके आया है और नीचे है उसके ऊपर टॉपिक, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो या फिर ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हो उसके ऊपर ये रिकमेंड कर रहा है। आप एवरीथिंग करेंगे तो सारे के ऊपर आप बना सकते हो जो भी चीज़ है, और खाली आपका टेक चैनल है तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अलर्ट और ऑटोमेटिकली वो अलर्ट में चला जाएगा। तो इस पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ही मेन सेटिंग है इसका। तो आप इस पे देख सकते हो हाउ ऑफेन एट ए मोस्ट वंस डे, आप हर रोज़ मेल लेना चाहते हो या फिर वीकली लेना चाहते हो या फिर जितने भी मेल उसके रिलेटेड आपके टॉपिक के रिलेटेड आएगा वो सारे को लेना चाहते हो, वो सारे कुछ आपको मेल करके बता देगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एट मोस्ट वंस ए डे करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा आप करेंगे तो एज इट हैपेंस करेंगे तो आपके मेल लिस्ट भर जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो सोर्स पे क्लिक करेंगे तो किसके ऊपर लेना चाहते हो, जैसे कि मैं ब्लॉग्स के ऊपर लेना चाहता हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो के रिलेटेड आएगा, वीडियो के क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना सकते हो। तो मैं ब्लॉग्स पे करता हूँ बस। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज पे आपका चैनल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जिस चैनल पे आपको चाहिए। रीजन आपके कंट्री को आप सिलेक्ट करिए, आप कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पार्टिकुलर वही कंट्री का रिलेटेड सर्च आपको मिलेगा। एनी रीज़न करेंगे तो सारे वर्ल्ड वाइड आपको सर्च मिलेगा। आप ब्लॉग चलाते हो तो आपका डोमेन .in होगा तो आप खाली इंडिया से ही सिलेक्ट करिए, नहीं तो आपका .com होगा तो आप वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हो, उसके लिए आप एनी रीज़न करिए। मैं इंडिया का करता हूँ तो इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हाउ मैनी, आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए या फिर ऑल रिजल्ट चाहिए इसको आपको पता करना है। तो आप ऑल रिजल्ट चाहेंगे तो इसके रिलेटेड जितना भी मेल आएगा वो सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो मैं ओनली बेस्ट रिजल्ट करूँगा। बेस्ट रिजल्ट करेंगे तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है ऑलरेडी रैंक कर रहा है उसके ऊपर आपको मेल आएगा। उसके बाद अपडेट अलर्ट्स पे क्लिक करेंगे और
यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप कस्टमली टॉपिक को सेट कर सकते हो, ज़रूरी ये नहीं है कि आपके सारे टॉपिक यहाँ पे रिकमेंड करेगा, तो आप इसको आपकी मर्जी के हिसाब से टॉपिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आप टॉपिक लेना चाहते हो, मैं ब्लॉगिंग लिख चुका हूँ, आप ब्लॉगिंग इस पर टाइप करिए। करने के बाद जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ब्लॉग्स क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे पेंसिल साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका सेटिंग आ जाएगा, आप वही सेटिंग कर दीजिए। और सोर्स आप ब्लॉग कर दीजिए, आपका ब्लॉगर्स का अकाउंट है, आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं उसी के लिए आप ब्लॉग्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे है लैंग्वेज, और सारे कुछ करने के बाद आपको अपडेट अलर्ट पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी के रिलेटेड जितना भी पोस्ट आएगा वो आपके मेल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं आपको मेल चेक करके दिखा देता हूँ। अलर्ट सेट कर चुके हो, उसके ऊपर ऑटोमेटिक आना चालू हो गया है NDTP स्पेस एक्स कैप्सूल। मैं साइंस के ऊपर पहले कर चुका था इसलिए ये दिखा रहा है, आप उसके बाद मैं ब्लॉगिंग के लिए कर रहा था इसलिए ये दिखा रहा है, इसी तरह आपको दिख जाएगा हर रोज़। तो एक झंझट की चीज़ नहीं है, आपके हर रोज़ आपके पास नया नया टॉपिक आ जाएगा। बस दोस्तों इस तरीके से आप गूगल अलर्ट्स को बहुत ही आसानी से अपने PC पे सेट कर सकते हैं, और हर रोज़ नया नया टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिख सकते हैं, और YouTube चैनल के लिए वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके वेबसाइट का कोई भी कॉम्पिटिटर हो, तो उसके साथ आप कैसे कॉम्पीट कर सकते हो, उसके लिए आपको इसी टूल को ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जिस वेबसाइट से आप कॉम्पीट करना चाहते हो उस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस पहले आप ले लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ही ईमेल एड्रेस है, तो आपको आगे लिखना है साइट, उसके बाद एक कोलन देना है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है। देने के बाद आपको उसी के रिलेटेड जितना ही आपको पोस्ट मिलेगा वो सारे नीचे दिखा देगा। तो मेरा इस ईमेल एड्रेस से कोई भी ब्लॉग नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आपको उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाएगा। इसका सेटिंग कुछ अलग होगा, आपको पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एट मोस्ट वंस ए डे, इसको आपको एज इट हैपेंस करना है, क्योंकि जब उसी ईमेल एड्रेस के द्वारा उसी ब्लॉग पे पोस्ट आएगा सारे पोस्ट आपके सामने दिखाई देगा। इस तरीके से आप उसका कीवर्ड ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद सोर्स को आपको ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों टिक आ जाएगा। और आपको लैंग्वेज एनी लैंग्वेज चूज करना है, और रीज़न आपको ऐसा ही देना है। देने के बाद आपको अपडेट्स पे क्लिक करना है, और ये जो ओनली द बेस्ट रिजल्ट है इसको आपको ऑल रिजल्ट्स करना है, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट करेंगे तो उसका हो सकता है उसका ब्लॉग में जितने सारे पोस्ट है वो सारे रैंक ना हो तो आपको उसी अलर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ऑल रिजल्ट करना है, करने के बाद अपडेट्स अलर्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का कीवर्ड ले सकते हो, उसके उस पर कितना पोस्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट के दौरान मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, गुड बाय।